हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक। वैसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज से स्टार्ट होता है, मगर हम एक वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके इलेक्ट्रिक व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज वीडियो देख सकते हैं। तो मैं ये जो लेक्चर है वो कूलम्स लॉ से स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे कूलम्स लॉ एक बहुत फेमस लॉ है, इसके बारे में थोड़ा बहुत तो सभी जानते हैं, पर फिर भी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे जिससे जिन्हें अच्छे से जानकारी नहीं भी है तो वो भी इसके बारे में अच्छे से जान सकें। ठीक है, अब कूलम्स लॉ में क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। कूलम्स लॉ में हम क्या निकालते हैं, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज, या सिंपली आप कह सकते हैं फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज। फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज हम कैलकुलेट करते हैं दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच की फोर्स। अब चार्ज कैसे हैं, दो बातों का बेसिक आपको ध्यान देना है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रुकावा, क्योंकि चार्जेस भी मोशन करते हैं, तो हम मोशन में वो कैसा बिहेव करते हैं वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे अगर आप फिजिक्स को जानते हैं तो आप थोड़ा बहुत जान आपने सुना होगा डुअल नेचर के बारे में। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस मूव करते हैं तो उनका नेचर बदल जाता है, तो यहाँ पर हम स्टैटिक नेचर की बात कर रहे हैं, मतलब जब वो स्टैटिक हो, जब वो रुके हुए हों, तब वो किस तरह से कौन सी फोर्स उन पर अप्लाई करेगी, किस तरह से वो बिहेव करेंगे, वो यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कूलम्स लॉ की बात कर रहे हैं। तो कूलम्स लॉ में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज हम क्या निकालते हैं, फोर्स निकालते हैं दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में। जैसे कि आप यहाँ पे एक बेसिक सा डायग्राम देख सकते हैं, जो यहाँ पर क्या है, दो चार्जेस हैं, एक क्यू वन है, एक क्यू टू है, उन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो आर है। ठीक है, अब ये दो चार्जेस, इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में होगा। वो कैसा भी हो सकता है, वो अट्रैक्टिव भी, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। जैसे कि आप चार्जेस के बारे में जानते ही हैं कि लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर ये लाइक चार्ज होंगे तो ये आपस में कैसे नेचर की फोर्स जनरेट करेंगे, रिपेल करेंगे आपस में, और ये अगर अनलाइक चार्ज होंगे तो कैसी फोर्स वो करेंगे, अट्रैक्शन की, ठीक है, प्रोड्यूस करेंगे। तो ये तो बेसिक की बात हो गई। ठीक है, अब एक बार हम जो हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है उसे हम रीड कर लेते हैं, क्या लिखा है कूलम लॉ के बारे में। एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन लिखी गई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, जिस दो पॉइंट चार्जेस के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है, ठीक है, इंट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। इसमें कहा जा रहा है कि पहले तो सीधे सीधे निर्भर करेगा प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके चार्जेस के डायरेक्टली प्रपोर्शन होगा। अगर मैं समझाने के तौर पे कहूँ तो जैसे मान लीजिए, एक मैं एक न्यूमेरिकली एग्जांपल लेती हूँ कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, चार्जेस का 5 है, ये नेगेटिव है, और ये आपका पॉजिटिव है वो क्या है, 3 है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस इनके चार्जेस के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा जो फोर्स है हमारा, ठीक है, तो वो क्या जाएगा, 5 × 15। ये एक सिंपल एग्जांपल है, कई लोग ये समझ नहीं पाते, वैसे ये गलत, ये लेना गलत है कि आप 3 और 5 ले रहे हैं, बट क्या है, मैथमेटिक्स से कई चीज़ें हमें आसानी से समझ में आ जाती हैं, तो उसे आसानी से समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया था कि सीधे सीधे निर्भर करेगा, चार्जेस अगर ज़्यादा होंगे उनका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड कम है तो उनकी प्रोडक्ट कम होगा तो उनका फोर्स भी कम होगा। तो चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे, फोर्स पे चार्ज के मैग्नीट्यूड का असर पड़ेगा, यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनकी डिस्टेंस क्या है, उनके बीच में आर है तो उसका स्क्वायर कर लिया, उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इसका मतलब जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो हमारा फोर्स घटेगा और डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स बढ़ेगा। आप ये सिंपल तौर से भी कह सकते हैं, जैसे दो चार्जेस हैं वो पास आएंगे तो उनके बीच की इंट्रैक्शन बढ़ेगा, और वो अगर दूर जाएंगे तो उनके बीच की इंट्रैक्शन फोर्स घट जाएगी। आप ये चीज़ सिंपल जैसे मैग्नेट को भी सोच के समझ सकते हैं, जैसे मैग्नेट को पास आते हैं तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, स्टिक कर देते हैं, और दूर में इतनी फोर्स नहीं होती कि वो आपस में आके स्टिक कर पाए,
वैसे एग्जांपल सही इतना वो नहीं है, बट अपने माइंड में इस पॉइंट को फिक्स करने के लिए ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, ठीक है। डिस्टेंस पढ़ने पर इनकी जो इंट्रैक्शन फोर्स है वो घटेगी। अब हम इस चीज़ को एकुमुलेट कर लेते हैं सारे फैक्टर को। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वल टू में चेंज करने के लिए हम एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं। मैथमेटिक्स की जो थोड़ी बहुत भी जानकारी रखता है, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स की थोड़ी जानकारी तो आप रखते ही होंगे, तो जो प्रोपोर्शनैलिटी है उसको इक्वल टू में चेंज करने के लिए हम एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हमने के कॉन्स्टेंट लगा दिया। के एक तरह का पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है और प्रोपोर्शनैलिटी, हम के को क्या कहेंगे, एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, या ज़्यादा बेहतर हम इसे कूलम कांस्टेंट कहते हैं। वैसे इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, और अगर सिंपल कहें तो हम इसे कूलम कांस्टेंट भी कहते हैं, इसे हम कूलम कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है के की वैल्यू की। के की क्या वैल्यू है, ये हमें कैलकुलेट नहीं करनी, ये कूलम से ही कैलकुलेट करके दी है। के की वैल्यू क्या है, 1/4πε0। क्या है, 1/4πε0, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट लिया जिस तरह से भी कैलकुलेट करी, तो ये 1/4πε0 के बराबर आए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ε0 क्या होता है। ε0 होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को अगर समझ जाएँ अभी यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ आप याद रख सकते हैं कि के की वैल्यू क्या है, 1/4πε0, और ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये जो हम केस की बात करें कि के की वैल्यू 1/4πε0 है, ये वैक्यूम के केस में है, ये ध्यान रखिएगा। ये किसके केस में, वैक्यूम के केस में ये वैल्यू होती है। और ε0 क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ε0 क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब फ्री स्पेस पे कोई चार्ज कितना एंटर कर सकता है, उसे कितना परमिट है, ये इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। डिटेल में तो बाद में ही पढ़ा जाएगा, अभी यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो अगर हम फिर हम कहें कि अगर वैक्यूम में के की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0, तो किस में क्या, मतलब मीडियम में क्या होगा, तो उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने कहा कि इन वैक्यूम में क्या वैल्यू है के की, 1/4πε0, 1/4πε0, तो इन मीडियम क्या होगी, इन मीडियम हमारी होगी के इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ पे नॉट नहीं लगा, नॉट एब्सोल्युटी को भी दिखाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी नॉट लगता है, इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू को भी दिखाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू से ये समझ सकते हैं कि और दूसरे फैक्टर उस पर असर नहीं कर रहे। जैसे अब कोई चीज़ है, उसकी सराउंडिंग भी उस पर असर करती है किसी भी फैक्टर की वैल्यू पर। तो अगर वैक्यूम है तो मतलब नो एयर, कोई भी मीडियम नहीं है, तो अदर फैक्टर असर नहीं कर रहे, इसलिए हम नॉट लगाते हैं एब्सोल्यूटी को दर्शाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मीडियम पर तो बाकी चीज़ें भी असर करेंगी, तो इसमें क्या है, हमने नॉट नहीं लगाया, सिर्फ एप्सिलॉन का यूज़ किया है। एप्सिलॉन इज़ द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ डायलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। यहाँ पे जो एप्सिलॉन है उसे हम क्या कहेंगे कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है डायलेक्ट्रिक मीडियम की। अब यहाँ पे जो ये इसकी वैल्यू है वो क्या आएगी, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, या आप कहें उसकी वैल्यू क्या निकलेगी, इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं उसकी वैल्यू। अब इसे थोड़ा और क्लियर में समझने के लिए, हमें पता है जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, वो डायलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है, जो के के फॉर्म में जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, वो रेशियो होता है हमारा परमिटिविटी का जो मीडियम में है, और जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है उसका रेशियो होता है। इसे हम ER से भी डिनोट करते हैं। तो अगर हम E को निकालें, एप्सिलॉन इसको निकालें, तो ये क्या हो जाएगा, ER into E0 भी हो जाएगा। इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं अगर हम मीडियम में फोर्स की वैल्यू निकालें तो। जैसे अगर हम फोर्स निकाल रहे हैं दो चार्जेस के बीच में, मीडियम में अगर हम फोर्स निकाल रहे हैं दो चार्जेस के बीच, तो वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू ले सकते हैं, जो अभी हमने कहा था कॉन्स्टेंट क्या होता है, रेशियो इनका, ठीक है। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ER इंटू ε0, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे पुट कर सकते हैं, F इक्वल टू 4πER
एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद रखनी है, ये आपको न्यूमेरिकल पर्पज़ में काम आएगी। हम इसकी अप्रॉक्स वैल्यू बता रहे हैं, 9 × 10⁻¹² कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो इसकी वैल्यू होती है, अगर हम एग्जैक्ट की बात करें तो 8.85542 × 10¹² और यूनिट वही रहेगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर रफली आपको याद रखनी है 9 × अप्रॉक्स या रफली आप कह सकते हैं इसकी वैल्यू होती है 9 × 10¹² कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है 1/4 ε₀ की वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए, वो भी इसके आसपास ही होती है। ठीक है, मतलब याद करने के लिए आपके लिए काफ़ी सहूलियत रहेगी, उसकी वैल्यू होती है 1/4 ε₀ की वैल्यू होती है, अप्रॉक्स की बात करें तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आप सोच होंगे कि मैं पहले अप्रॉक्स बता रही हूँ फिर एग्जैक्ट बता रही हूँ, क्योंकि पहले कई बच्चे एग्जैक्ट वैल्यू देख के घबरा जाते हैं और वो काफ़ी गलतियाँ कर देते हैं। तो अगर पहले एक सिंपल सी एग्जैक्ट वैल्यू बता दी जाए तो उन्हें आसपास अंदाज़ा रहता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसलिए पहले मैं आपको इसकी एक सिंपल वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू अप्रॉक्स वैल्यू बता रही हूँ जिससे कि आप याद कर सकें, क्योंकि 9 × 10⁹ याद रखना आसान है कि 1/4 ε₀ की वैल्यू। दिस विल बी नॉट ईजियर टास्क टू रिमेंबर, बट आपको पता ज़रूर होनी चाहिए, थोड़ी बहुत आइडिया होना चाहिए 1/4 ε₀ की वैल्यू क्या है, 8.9875 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, कोशिश करें याद कर सके तो 1/4 ε₀ की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर और एप्सिलॉन की वैल्यू है 9 × 10⁻², कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आगे हम कूलम स्टॉक को वेक्टर फॉर्म में स्टडी करेंगे। नाउ अब हम बात करेंगे कूलम स्टॉक के वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अगर हम एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, इससे पहले एक वैक्यूम में ले रहे हैं, ठीक, क्यू वन क्यू टू इक्वल टू ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब इनका जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो से ज़्यादा होगा। यहाँ पर Q1, Q2 है, आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे। ठीक है, एक मैथमेटिकली हम एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ Q1, Q2 कब जीरो से ज़्यादा होगा। जब हम एक दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ज़ीरो से ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब दो नेगेटिव को भी मल्टीप्लाई करें तो उनका माइनस माइनस का प्लस ज़्यादा है तो भी वो ग्रेटर से ज़ीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये ग्रेटर है ज़ीरो से, इसका मतलब है ये बात कर रहे हैं लाइक चार्ज की, लाइक चार्ज की बात की जा रही है। और अगर लेस देन ज़ीरो है, लेस देन ज़ीरो क्या होगा, मतलब कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, −3 + 2 अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो −6 आएगा। ठीक है, और अगर +3 × −3 कर लें तो क्या आएगा, −3 × 9, तो इसमें क्या है, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो से कम होती है। इस तरह से भी इसे आप समझ सकते हैं। हाँ, कोई यहाँ पे ये मेंशन करना चाह रहा होगा कि दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं आता तो पॉजिटिव है मगर वो क्या है, माइनस साइन आता है। तो यहाँ पे मैथमेटिकली सिर्फ हम थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, बट यह है कि सिंपल अंडरस्टैंडिंग में हम इस चीज़ को बेहतर समझ पाते हैं। ठीक है, तो हम इसका मतलब है कि अगर प्रोडक्ट जो चार्जेस का है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं लाइक चार्जेस की। अगर ग्रेटर है ज़ीरो से, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं लाइक चार्जेस की, जैसे कि प्लस प्लस माइनस माइनस। और अगर वो लेस देन है ज़ीरो से तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं अनलाइक चार्जेस की, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, अब हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो आपको एक बेसिक सी चीज़ पता होगी कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। एक क्विक रिवीजन जो इम्पोर्टेंट है वो आपको दे देती हूँ। वेक्टर वो होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और स्केलर क्वांटिटी हमारी वो होती है जिसमें खाली मैग्नीट्यूड हो, जिसमें खाली मैग्नीट्यूड हो। अब यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म में निकाले कूलम फोर्स कूलम लॉ को, तो नॉर्मली एक चीज़ हमें सबको पता है कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये तो वेक्टर फॉर्म में होगी। ठीक है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो
वेक्टर फॉर्म में होगी। यहाँ पे हम चार्जेस के वेक्टर या नॉन वेक्टर की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये स्केलर फॉर्म में, आर स्क्वायर स्केलर फॉर्म में, और ये तो कॉन्स्टेंट है, दिस इज़ कॉन्स्टेंट। तो अब इसे डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? तो जिसने 11th में यूनिट वेक्टर पढ़ा हो तो उसे थोड़ा बहुत ध्यान होगा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर वो होता है जो कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, मतलब उसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, मगर उस वो उसके में क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो जब भी हमें किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में चेंज करना हो या उसे डायरेक्शन प्रोवाइड करनी हो, तो हम उसे किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो चीज़ उसे डायरेक्शन प्रोवाइड कर देती है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये हमारा, हमने यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लिया है जो इस फोर्स के डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। अब ये 1, 2, 2, 1 क्या है, मैं आपको अभी समझा देती हूँ, ठीक है। दो चार्ज हमने लिया है, एक Q1 लिया है, एक Q2 लिया है, ठीक है। 1, 2 मतलब Q1 चार्ज पर Q2 चार्ज के द्वारा, वन चार्ज फर्स्ट वाले चार्ज पर दूसरे चार्ज पर कैसी फोर्स लग रही है, मतलब इस चार्ज के द्वारा इस पर कैसी फोर्स लग रही है, वो हम निकालेंगे 1, 2 पर। और F21 में हम कैलकुलेट करेंगे कि सेकंड चार्ज पर फर्स्ट के द्वारा कैसी फोर्स लग रही है, ठीक है। या आपस में दोनों ही एक दूसरे पे कोई ना कोई फोर्स लगा रहे होंगे, तब हमें 1, 2 और 2, 1 के हिसाब से कैलकुलेट करनी पड़ती है। जैसे 1 पर 2 के द्वारा जो फोर्स लग रही है और 2 पर जो 1 के द्वारा फोर्स लग रही है, वो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब जो वन अब ये मान लें एक स्फीयर है चार्जेस Q1 Q2, तो ये क्या क्या है, पॉजिटिव नेचर के हैं, तो आपको पता है लाइक लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, तो ये कहाँ मूव करेगा, इधर मूव करेगा, ये कहाँ मूव करेगा, इधर मूव करेगा। अभी हम कह रहे हैं 1 के द्वारा, 1 पर 2 के द्वारा जो फोर्स लग रही है वो किधर जा रही है, इधर जा रही है, ठीक है। तो वो किस डायरेक्शन में है, वो आप कि किस अब क्या है, वो किधर फोर्स लगा रहा है, जो 1 पे जो 2 की फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन में लग रही है, वो इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन वाला कौन सा है हमारा यूनिट वेक्टर, इधर 2, 1 वाला है। तो याद रखिएगा जो 1, 2 है उसमें कौन सा यूनिट वेक्टर लगा रहे हैं, 2, 1 वाला, ठीक है। और 1, 2 की डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है, वो इस तरफ है, ठीक। सिमिलर केस इसमें हो जाएगा, जो 2 पर 1 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। यूनिट इस तरह वाला यूनिट वेक्टर कौन सा है, ये, तो हमने ये यहाँ पे मैं लगा दिया, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली हम केस की बात करें, जब Q1 Q2 जो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस हैं वो लेस देन है 0 से, इसका मतलब है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अनलाइक चार्जेस की। यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले लेते हैं, इसको नेगेटिव बना देते हैं। अब नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, तो वो अब इधर मूव नहीं करेंगे, वो किधर, दोबारा से ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है, इसमें वरना वो हो जाएगा मिक्स मैच। तो यहाँ पे हमारा चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। आपको पता है अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो इनकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन तो वही रहेगी, 1, 1, 2 की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, और 2, 1 की डायरेक्शन किस, 2, 1 की क्या है, इधर है, ठीक है। यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वही रहेंगी, उसे आपको चेंज नहीं करना, और आर इनके बीच की दूरी है, आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब क्या होगा अगर हम F12 निकाल रहे हैं, बाकी सारी स्केलर क्वांटिटी तो वही रहेंगी, मगर अब क्या है, जो 1 पर 2 के द्वारा फोर्स लग रही है, तो 2 किस किधर मूव कर रहा है, अब वो इधर मूव कर रहा है, मतलब टूवर्ड द 2 मूव कर रहा है, तो हम कौन सा यूनिट वेक्टर लगाएंगे, 1, 2 वाला ही यूनिट वेक्टर हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। अगर हम 2, 1 कैलकुलेट करेंगे, फोर्स जो दूसरे चार्ज पर पहले चार्ज के द्वारा है, दूसरे चार्ज पर पहले चार्ज के द्वारा है, तो वो अब उस फोर्स की वजह से किधर मूव करेगा, टूवर्ड द 1, कौन सा यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे, R21, ठीक है। तो यहाँ वैसे एक सिंपल याद रख सकते हैं कि अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो 1, 2 में 2, 1 वाला वेक्टर लगता है, और अगर 2, 1 है तो 1, 2 वाला वेक्टर लगता है, और अगर लेस देन 0 है तो 1, 2 में 1, 2 वाला ही लगेगा, और 2, 1 में 2, 1 वाला ही लगेगा। एक क्विक रिमाइंडर के तौर पे मैं आपको ये मेंशन कर रही हूँ। अब आपको एक सिंपल सा न्यूटन के थर्ड लॉ तो याद है ना, फॉर एवरी एक्शन देखो अपोजिट रिएक्शन, तो उसी को ध्यान रख के आप एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर, वो ये है कि F12 की वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट होगी 2, 1 के फोर्स, मतलब जो 1, 2
टू पर जो फोर्स लगाएगा वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। मतलब कि दो चार्जेस कोई भी हो, Q1 और Q2, जो पहले चार्ज पर दूसरे चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो उतना ही होगा जितना दूसरे जो पहले चार्ज पर जो दूसरे चार्ज के द्वारा फोर्स लगेगा वो इतना ही होगा जो दूसरे पे पहले चार्ज के द्वारा लगेगा। बस उसकी रिएक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ये हमने प्रूव कर दिया है, तो सारे केसेस के लिए बात सच रहेगी। क्योंकि अगर हम कहें R21 के क्या है, अपोजिट है, तो उनको उनकी रिएक्शन को दिखाने के लिए हम माइनस का साइन दिखा सकते हैं, वही चीज़ है, ठीक है। तो फॉर एवरी एक्शन देखो अपोजिट रिएक्शन के अपने पुराने कॉन्सेप्ट से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं यूनिट ऑफ चार्जेस के बारे में। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलम होती है। यूनिट ऑफ चार्ज हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ा फर्दर। ऐसा यूनिट जो चार्ज की होती है वो कूलम होती है, इसमें ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। अब अगर ऐसा यूनिट जो चार्ज की होती है वो कूलम होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि यहाँ पे जैसे आप बोर्ड में देख सकते हैं स्क्रीन पे, अ सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस चार्ज इज सेट टू फॉर्म अ कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो ऐसे एक सिस्टम चार्जेस के जो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली आपके हो, ठीक है, तो वो एक कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। जैसे कि लीनियर हो गया, सरफेस हो गया, वॉल्यूम हो गया। जैसे आप देखते हैं कोई चीज़ लीनियरली अगर चार्जेस लगे हैं आपस में तो वो कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर वो किसी सरफेस पे लगातार आपस में पास पास हैं जैसे किस तरह के फॉर्म में, तो वो भी एक कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसे हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमें मदद करता है डेंसिटी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने के लिए, किस प्रकार चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसकी क्या डेंसिटीज होती हैं, उसको स्टडी करने में ये हमें मदद करता है। इससे हम कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं जो ऐसे चार्जेस जो आप बहुत ही पास पास हो और एक कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हो, ठीक है, उसे कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर हम यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में। लीनियर चार्ज के नाम से ही आपको पता चल रहा है, वैसे मैंने मेंशन भी किया है बोर्ड पर स्क्रीन पे कि लाइन और लीनियर चार्ज डेंसिटी की, एक लाइन में या लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लैम्डा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम एक स्टडी कर लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इफ़ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्ट्रेट लाइन, अगर चार्ज एक स्ट्रेट लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जैसे एक चार्ज एक स्ट्रेट लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जैसे इसमें दिखा रखा है पॉजिटिव चार्ज एक स्ट्रेट लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, या ओवर द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे मैं छोटे छोटे सर्कल आपको चार्ज के रूप में दिखा रही हूँ, ठीक है। सर्कमफेरेंस क्या होता है, ये जो लाइनिंग होती है वो उसका सर्कमफेरेंस होता है, ठीक है, या तो एक स्ट्रेट लाइन पर या किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस पर या किसी क्यूबॉइड के एज पर, ठीक है। एज क्या होगा एक क्यूबॉइड का, जैसे कि ये इन पर, क्योंकि ये भी एक तरह की स्ट्रेट लाइन होती है। क्योंकि कहीं क्यूबॉइड से आप ये कन्फ्यूजन ना कर लें कि वो तो एक 3D हो गया तो उसमें हम कैसे लाइन को समझ सकें, तो यहाँ आप ये डायग्राम की मदद से देख सकते हैं। जैसे कि मैंने इनके इसके एज पर कह रहे हैं, पूरे में नहीं कह रहे चार्ज, उसके एज पर आगे लगे हूँ। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, ऐसा कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल सी एक बात है कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट की जाए स्ट्रेट लाइन पर या किसी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पर या क्यूबॉइड के किस एज पर, तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, ठीक है। उसे क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो क्या होता है, अगर फॉर्मूला वाइज कहें तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इस चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसकी असाइन यूनिट क्या है, कूलम पर मीटर। अगर आप कभी भी कोई क्वेश्चन रिलेटेड लाइन से रिलेटेड कर रहे हैं और उसकी आपको चार्ज डेंसिटी निकालनी है, तो आप यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने एक और फॉर्मूला लिखा है DQ/DL, क्योंकि जब हम फिज़िक्स में क्वेश्चंस करते हैं तो हम हमेशा एक लॉन्ग विजिबल लेंथ की के लिए नहीं करते। कई बार हम बहुत ही माइन्यूट या छोटा सा कोई भी हमें निकालना है तो हम छोटा सा पीस लेते हैं, फिर उसमें अप्लाई करते हैं, बाद में उसका इंटीग्रेशन करके
पूरे होल पर अप्लाई कर देते हैं। तो उसके लिए भी फॉर्मूला बता रखा है कि जब भी हम कोई बहुत छोटा पार्ट लेते हैं तो उसका डिफरेंशियल पार्ट लेते हैं, डी क्यू डिफरेंशियल ऑफ चार्ज डी क्यू, और एक छोटी सी लेंथ है डी एल। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ और देखी होगी, लिखा है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर आप एक सिंपल नॉर्मल एग्जांपल लें, जैसे कि अगर आप कुछ चीज़ ख़रीदने जाते हैं, जैसे हमने कहा कि कोई चीज़ है 1 kg, अगर हम एप्पल ले रहे हैं तो 50 रुपीज़ पर kg है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 50 रुपीज़ पर 2 kg होता है। तो एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है कि वो मतलब है कि 1 kg का आपको कहा जा रहा है कि ये 50 रुपये किलो है, इसका मतलब कि आपको 1 किलो के प्राइस बताए जा रहे हैं। उसी तरह से ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है, मतलब एक लेंथ में कितना चार्ज होगा, एक यूनिट लेंथ, चाहे वो मीटर हो, 1 मीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, या 1 डेकामीटर हो, उसमें आपको बताया, अगर SI यूनिट है तो ऑब्वियसली SI यूनिट मीटर ही होती है, तो पर मीटर आपको बताया जाएगा कितना चार्ज है। इसी तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, ऐसा नहीं कि लेंथ यहाँ पे 5, 6, 7 हो, खाली आपको पर यूनिट लेंथ निकालनी है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर अब क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हम आगे पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में। इसमें क्या होता है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो एक सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, सरफेस एरिया क्या है, जैसे कि एक सर्कल है तो उसमें पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो उसके सरफेस एरिया पर, जैसे एक पेपर है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, आप 2D को के तौर पर समझ सकते हैं कि सरफेस क्या है, 2D है, और 3D तो आप वॉल्यूम के तौर पर ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपका एक क्यूबॉइड भी है तो उसके जो वो होते हैं फेसेस होते हैं उसको हम कह सकते हैं कि वो सरफेसेस हैं। ठीक है, तो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो किसी सरफेस एरिया पर तो उसे हम क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। की जो डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज का वो किस फॉर्म में है, सरफेस के फॉर्म में, तो हम उसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया को यहाँ पे एस से रिप्रेजेंट करें, नॉर्मली वैसे हम एरिया को ए लेते हैं पर यहाँ पर सरफेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है इसलिए हम इसे एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सिग्मा साइन हमने यूज़ किया है सरफेस, ये यूज़ किया जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए। आपको याद होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए लैम्डा यूज़ करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी के सिग्मा यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जैसे नॉर्मली मैथमेटिक्स फिजिक्स में हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया लेते हैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो छोटे से एरिया का जो चार्ज होगा वो डिफरेंशियल फॉर्म में होगा डी क्यू, और उसका जो एरिया है वो भी डिफरेंशियल फॉर्म में होगा डी एस। तो सिग्मा क्या होगा, डी क्यू और